गाइस ये है SP125। तो फिलहाल ये कलर, इसका टोटल आपको 5 कलर और 2 वेरिएंट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्रम वेरिएंट है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। तो इसका जो ये ड्रम वेरिएंट है, इसका वेस्ट बंगाल कोलकाता में जो एक शोरूम प्राइस है लगभग 80,000 के आसपास, और इसका जो डिस्क वेरिएंट आएगा उसका एक शोरूम प्राइस आएगा 84,000 वेस्ट बंगाल कोलकाता। आपको अगर आपके स्टेट का या आपके सिटी का एक शोरूम या ऑन रोड प्राइस जानना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा आपके जो नियर स्टेट सिटी का जो अप्रोक्सीमेट ऑन रोड और एक शोरूम प्राइस क्या होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसका फ्रंट प्रोफाइल से। तो ये जो इसका एग्रेसिव लुक है गाइस, ये देख सकते हैं इसका जो स्प्लिट हेड लैंप और इसका जो प्लेसमेंट, इसके वजह से काफ़ी फेमस हो चुका है, क्योंकि लॉन्च होने के बाद से ये लोगों को काफ़ी पसंद भी आने लगा है। काफ़ी दमदार 125 सीसी बाइक है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस वैसा है, इसमें आपको माइलेज जो देता है वो आपको बहुत तगड़ा माइलेज देता है, क्योंकि क्लेम जो है यूज़र क्लेम करता है 65 KMPL का जो माइलेज मिलता है। और क्या मिलता है देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट में आपको इसका लुक काफ़ी स्टाइलिश और लाइक सेक्सियल लुक लग रहा है, क्योंकि ये 125 सेगमेंट में इतना आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत कुछ काम किया है होंडा ने। तो सबसे पहले मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो टर्न इंडिकेटर यहाँ पे अभी भी ये बल्ब वाला मिल रहा है, और यहाँ पे आपको सामने में जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक वाला सस्पेंशन सामने मिलता है, और यहाँ का जो फ्रंट फेंडर ये फाइबर मटेरियल का है फेंडर, ये देखिए ये ग्लॉसी ब्लैक कलर में है, और बॉडी जो नियॉन ग्रीन कलर के साथ आता है। इसका टोटल 5 कलर है, डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल कलर ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो भी देख सकते, ये भी फाइबर का किया हुआ है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा एक्सटेंड किया गया है ताकि इंजन में आपको मड वगैरह से आपको प्रोटेक्ट मिल जाएगा। फ्रंट टायर सेक्शन में आ जाते हैं, यहाँ पे 18 इंच का व्हील आपको मिलता है टोटल, और एलॉय का डिज़ाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टाइलिश से डिज़ाइन किया हुआ है। और ये ड्रम वेरिएंट है, इसका डिस्क वेरिएंट में आपको मिलेगा। तो टायर सेक्शन में बता देता हूँ, फ्रंट का जो टायर है आपको मिलेगा 80x100 18 इंच का है ट्यूबलेस टायर, और इस साइड में ये यहाँ पे अगर डिस्क वेरिएंट होता तो इसमें आपको 130mm का डिस्क मिलता फ्रंट में, और जो कि है नहीं, तो यहाँ पे आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिल रहा है, सॉरी डिस्क ब्रेक अगर होता तो यहाँ पे डिस्क का जो डायमीटर है वो डिस्प्ले में दिख जाएगा। ये 130mm का ड्रम है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, आप देख सकते हो यहाँ पे। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, यानी कि आप अगर रियर ब्रेक अप्लाई करते हो तो फ्रंट ब्रेक जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है टाइम के साथ। यहाँ पे आप रिफ्लेक्टर देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम मैंने बता दिया, और यहाँ पे आपको एक लेग गार्ड जो है ये एज एन एक्सेसरीज आपको मिलता है, इसके लिए आपको पे करना होता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे फिटेड है, मगर जब आप परचेस करेंगे तो इसका जो चार्जेस है वो आपको बिल में इंक्लूड हो जाएगा। और टैंक के साथ इस साइड में आपको एक जो एक्सटेंशन है वो देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा इसके साथ एलिमेंट दिया गया, स्टिकरिंग किया गया, यहाँ पे होंडा का 3D में एम्ब्लेंट किया हुआ लोगो दिया गया, तो ये काफ़ी अच्छा स्टाइलिश का काम किया है होंडा ने। और यहाँ पे भी आप थोड़ा लाइक जो 125cc में थोड़ा स्पोर्टियर लुक देने के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साइड पैनल में आप, मैं यहाँ पे कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया, और इस साइड से पूरा लेके SP125 का स्टिकरिंग किया गया पूरा बॉडी में नियॉन कलर के साथ, ये अच्छा लग रहा है। और इंजन में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको 5-speed गियरबॉक्स मिल जाते हैं सेम पैटर्न में, जो फ्रंट में डाउन 1 है न्यूट्रल, फिर सब रियर में है, यहाँ पे गियर का पैटर्न भी दिया हुआ है, ठीक है। और मैं और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे साइड स्टैंड के साथ साइड स्टैंड इंजन कटअप का सेंसर भी दिया गया, और सेंटर स्टैंड देख सकते हैं, ये पिलियन फुट स्पेक देखिए, क्योंकि ये 125cc का बाइक है, आपको लाइक एक क्या कहते हैं बजट फ्रेंडली होना है, तो इसलिए जो फुट स्पेक वगैरह है इसमें आप नॉर्मल ऑर्डिनरी रबर का देख सकते हैं, वो स्पोर्टियर टाइप एल्युमिनियम का नहीं मिलता, ये लेडीज़ फुट स्पेक है, साड़ी गार्ड यहाँ पे दिया गया। रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है, रियर टायर भी है 80x100 18 इंच का ट्यूबलेस, मतलब दोनों में ही सेम टायर सेक्शन है, सेम व्हील बेस है। और आ जाते हैं टेल सेक्शन, तो टेल का जो टेल लैंप है ये भी आपको बल्ब वाला मिलता है, ये LED नहीं मिलता है, मैं आपको टर्न ऑन करके देख दिखा देता हूँ। तो ऑन करते पे ये पूरा लोड होता है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है कर दिया, इसमें आता हूँ बाद में थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखिए ये जो है बल्ब वाला टेल लाइट है, यहाँ पे
हेलोजन वाला ही आपको टर्निंग इंडिकेटर दोनों साइड में मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो काम किया है, जो प्रीवियसली होता है, जो अदर 125 जिसका साइन था उसमें कुछ अलग डिज़ाइन था, यहाँ पे एक स्पोर्टियर कर दिया। इसका जो रियर फेंडर है इसको थोड़ा एज कर दिया, यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए रिफ्लेक्टर और यहाँ पे एक बल्ब लाइट दे गया है। और यहाँ पे चाबी देख सकते सीट ओपन करने के लिए। और इसका जो ग्रैब रेल है गाइस, सो ये एक सिंगल ग्रैब रेल है, सेम जो साइन में आपको मिलता है सेम ग्रैब रेल दिया गया, ठीक है। और देखिए, और एक बात मैं आपको बता दूँ, सीट जो है ना उतना आपको शॉप नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मैं 125 सीसी में, पर सीट का जो प्लेसमेंट है आप तीन आदमी आसानी से बैठ सकते हैं, हालांकि वो इलीगल है, बाइक में आप डबल कैरी कर सकते हैं ओनली ट्रिपल लाइट। मैं बस बताने के बोल रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस यहाँ पे दिया गया, थोड़ा और वाइडर भी है, पर कुशन ठीक है राइडर के लिए मुझे ठीक लगा, पर पिलियन थोड़ा हार्ड है, वो डिफरेंट भी हो सकता है बाइक टू बाइक। और इस साइड में देखिए आप, साइलेंसर के ऊपर एक क्रोम या स्टील का एक मफलर दिया गया जो लाइक हीटिंग से भी आपको प्रोटेक्ट करता है, और यहाँ पे एक दूर से थोड़ा अट्रैक्टिव और स्टाइलिश भी आपको दिखता है ये, कि ये क्रोम कलर के साथ थोड़ा। तो इस साइड पैनल में भी सेम आपको 125 का स्टिकरिंग और ग्राफिक्स के साथ देखने को मिलता है, सेम एलिमेंट। यहाँ पे होंडा का ESP का स्टिकर दिया गया जो एनहेंस स्मार्ट पावर, जो होंडा का सारे बाइक में आपको देखने को मिल जाएगा। ये ब्रेक, रियर ब्रेक और किक स्टार्ट दिया गया, क्योंकि 125 सीसी है तो किक स्टार्ट दिए गए। हालांकि अभी भी लाइक जो प्रीमियम 125 सीसी का सेगमेंट बाइक के, तो उसके बाद नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे, तो उसमें नहीं मिलता, पर इसमें दिया गया है। अभी इंजन के बात करते हैं, तो इंजन जो है यहाँ का बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि 125 सीसी का इंजन है, तो 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर है, एयर कूल्ड है इंजन है, जो मैक्सिमम आपको 10 PS के पावर डिलीवर करता है और नियर अबाउट 10 Nm का टॉर्क आपको डिलीवर करता है ये मैक्सिमम RPM पे। तो एग्जैक्ट जो पावर एंड टॉर्क फिगर है वो आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। एंड वन मोर थिंग, आपको मैं टैंक कैपेसिटी जो इसका है, इसका 11 लीटर का टैंक कैपेसिटी है, और जो माइलेज क्लेम करता है यूज़र, जो क्लेम किया हुआ माइलेज है वो नियर अबाउट 65 km/L का, मतलब 65 KMPL का यूज़र क्लेम किया हुआ माइलेज है, जो बहुत ही बेहतरीन है। 1.5 लीटर का इसका रिजर्व है और टोटल 11 लीटर का ये फ्यूल टैंक। तो मेरे ख्याल से आपको लगभग 700 या उससे ज़्यादा आपको राइडिंग रेंज मिल जाता है इस गाड़ी से। तो अभी इंस्ट्रूमेंट कंसोल, और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे जो BS6 गाड़ी मैंने होंडा ने क्या किया, होंडा की सारी गाड़ी में आपको मिलेगा डबल वायर एस्केलेशन मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप सिटी राइड की करते हैं या फिर आप लॉन्ग राइड में जाते हैं तो डबल वायर एस्केलेशन जो है, एक बाई चांस अगर फॉल्ट भी हो जाए तो दूसरा जो है वो काम चला लेता है। रियर व्यू मिरर आपको लाइक ठीक ठाक ही है, उतना लाइक जो आपको ये सेम हॉर्नेट में मिलता है सेम वाला मिरर यहाँ पे यूज़ किया गया। तो आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, इसका DRL देख सकते हैं, जो चाबी ऑन करते पे ना तो इसका जो डिपर वाला पार्ट है जो चाबी के साथ ही ऑन रहता है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, एक अलग से DRL रहता है जो चाबी ऑन करने पे ऑन होता है, तो इसका सेम कुछ सिचुएशन अलग है, तो इसमें जो लो बीम है वो ऑन ही रहता है चाबी के साथ। मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो दिखा देता हूँ, ये चाबी है इसका। तो लाइक 125 सीसी के हिसाब से ये थोड़ा ऑर्डिनरी है, पर मैंने आपको मेरा चाबी दिखाया था वो भी उतना खास नहीं लगा, चाबी का डिज़ाइन ही। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑन करने पे आपको चाबी, एक वेलकम स्क्रीन आता है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत कुछ जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाता है जो आपको चाहिए होता है, जो कि लाइक एक 125 सीसी गाड़ी में पहले नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पे देखिए, फ्यूल गॉज मिल जाता है, गियर पोजीशन मिल जाता है 125 सीसी में, टॉप यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है, टाइम भी दिया गया है, और यहाँ पे ये शायद ओडोमीटर है, ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, और यहाँ पे एवरेज जो है उसका भी दिया गया इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे, कि इतना कितना एवरेज मिल रहा है। तो फिलहाल ये गाड़ी उतना रन नहीं हुआ तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो जब ये गाड़ी रन होगा उसके बाद यहाँ पे एवरेज फ्यूल दिखेगा। और क्या है, सेम है, एवरेज है, यहाँ पे रेंज भी शो करता है। फिलहाल ये सब नहीं आ रहा है क्योंकि गाड़ी चला नहीं है, सर्विसिंग के बाद जो चलना स्टार्ट होगा तो ये अपने आप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राइडिंग रेंज दिख रहा है, यानी
आपका जो टैंक में जितना फ्यूल है उस फ्यूल में कितना किलोमीटर और ड्राइव कर सकते हैं वो भी यहाँ पे शो करेगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो है इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। इसके साथ ही एडिशनल यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है, इंजन मैलफंक्शन है, न्यूट्रल है, हाई बीम। और यहाँ पे मैं एक्चुअली दिखाता हूँ साइड स्टैंड का भी दिया गया, आप देख सकते हैं साइड स्टैंड है। और स्विच गियर में अब कुछ नहीं है, पास है यहाँ पे टर्न इंडिकेटर। मैं हॉर्न सुना देता हूँ आपको, हॉर्न यहाँ पे है, सिंगल हॉर्न ही है, तो सिंगल हॉर्न है यहाँ पे, क्योंकि BS6 में किसी भी गाड़ी में आपको डुअल वाला हॉर्न शो जो Apache सीरीज़ में आता था वैसा नहीं मिल रहा है। और इस बटन से क्या होता है, इस बटन से सेट बटन है और कुछ नहीं है। यहाँ पे इंजन किल स्विच और स्टार्ट स्विच है। मैं आपको स्टार्ट करके थोड़ा इसका एग्जॉस्ट दिखा देता हूँ, बाकी ओवरऑल आप मुझे बताना आपको इस गाड़ी कैसी लगी। और इसके बारे में आपको देखिए, ये लो बीम है, हाई बीम करने पे तो नीचे वाला जो पोर्शन है हाई बीम है और ऊपर लो बीम है, बाकी ये सारा शायद फॉल्स है। मैं स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ क्या है कैसा है, एक बार स्टार्ट करता हूँ तो। हाँ देखिए, यहाँ पे जो बटन है ना ये हाइब्रिड कर दिया, क्योंकि पहले क्या होता था अलग से एक इंजन कट स्विच रहता था फिर स्टार्ट स्विच रहता था, और 125 सीसी ऐसे सेगमेंट में तो रहता ही नहीं था। अभी ये हाइब्रिड कर दिया, एक ही स्विच में बटन में आपको यहाँ पे किल स्विच और स्टार्ट स्विच दोनों मिल जाता है। मैं स्टार्ट करता हूँ, न्यूट्रल पे है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये साइलेंट स्टार्ट है, क्योंकि जो गाड़ी स्टार्ट होता है ना तो इंजन का जो वो एक स्टार्टर का जो साउंड है वो नहीं मिलता। मैं आपको, आप शायद नोटिस कर रहे होंगे, स्मूथ स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि BS6 में क्या हुआ, ये इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइन कर दिया गया। आप यहाँ पे आपको नॉइज़ भी नहीं आ रहा होगा, बहुत ही स्मूथ लगा, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट होते ही आपको पता चल जाता है गाड़ी कैसे स्टार्ट हो रहा है। आप एग्जॉस्ट नोट सुन सकते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी स्मूथ है, इतना कुछ आपको महसूस भी नहीं होगा। इंजन में भी देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा रेस करता हूँ, तो स्मूथ है, उतना कुछ आपको नहीं महसूस होगा। एक्चुअली मैं बंद कर देता हूँ गाड़ी को। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा जो गाड़ी का स्टार्ट है, आपने शायद नोटिस किया होगा जो स्टार्ट करते टाइम उतना वो खत 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 करके नहीं होता। आपको मैं मेरी गाड़ी भी स्टार्ट करके दिखाऊंगा, वहाँ पे खड़ा है, उतना साउंड नहीं होता। ये सिंगल क्लिक स्टार्ट होता है, सिंगल क्लिक स्टार्ट होता है, ठीक है, उतना मेहनत नहीं करना होता है। चाबी ऑफ कर देता हूँ। तो ओवरऑल जो BS6 में गाड़ी चेंजेस किया है होंडा ने, तो ये एकदम न्यू कंडीशन में है, क्योंकि ये बहुत टाइम से वेटिंग टाइम पे था, मैंने शोरूम पे बता रखा था। तो आप मुझे बताना आपको इस गाड़ी में कैसा लगा और क्या कुछ जानना है इसके बारे में। इसके अगर फिनांस स्कीम के बारे में भी जानना है तो उसका भी वीडियो मैं लेके आऊँगा बहुत ही जल्दी, जुड़े रहिए मेरे साथ। एंड फिलहाल तो यहाँ पे वेदर काफ़ी ख़राब होता जा रहा है, एंड तो आप मुझे कमेंट करके पूछना आपको कुछ जानकारी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ध्यान रखें, बाय बाय, बारिश हो रहा है।